हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम फलों के राजा आम का बहुत ही हेल्दी, ट्रेडिशनल और बहुत ही टेस्टी आम रस बना के तैयार करेंगे। और आम रस आप एक बार इस तरह जरूर बना के देखें। आप इस आम रस को पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं और नॉर्मल भी आप पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक है। आज हम मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी आम रस घर में ही बना के तैयार करेंगे। आम रस बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आम ले लिए हैं। आम जब भी आप लेके आए तो पके हुए मीठे मीठे आम लेके आए। जितना मीठा आम होगा उतना टेस्टी आम रस बनता है। तो हम आम के छिलके उतार के आम को छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसी के साथ हमने 2.5 गिलास दूध ले लिया है, 1 कप चीनी ले ली है, 2 हरी इलायची ले ली है। हरी इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गार्निश करने के लिए हमने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली है और थोड़ा सा हमने नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है। तो मैं एक जार में आम और दूध एक साथ डाल देती हूँ। हमने ये जार ले लिया है, इसमें हम ये कटे हुए आम के पीस डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। दूध का हम पूरा भी यूज नहीं करेंगे, केवल 1 गिलास दूध डाल के हमको पीसना है। और इसी में हम हरी इलायची तोड़ के डाल देते हैं और ढक्कन लगा के बिल्कुल फाइन पेस्ट हमको बना के तैयार कर लेना है। और इसी के साथ हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। और अब हम पीस लेते हैं। हमने आम का बहुत ही फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया। हमने इसमें दूध कम डाला था तो अभी गाढ़ा है, तो बचा हुआ दूध भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो इसको हाथ की हेल्प से चला लें या फिर आप मिक्सी में एक बार फिर से चला दें। तो ये मैंने चला लिया और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही परफेक्ट पीस के तैयार हो गया है। आम रस की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको अभी खाना है तो आप इसको अभी सर्व करके खाएं, या फिर आपको थोड़ी देर बाद खाना है आप इसको फ्रिज में रख दें। और इसी के साथ इसमें 5-6 आइस क्यूब डाल दें, क्योंकि आम रस ठंडा ठंडा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम अभी एक दूसरे ग्लास में सर्व कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस आम रस से पूड़ी खा के देखिएगा। आम रस और पूड़ी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और मेरे घर में तो हमेशा बनता है और इसी तरह खाया जाता है, आलू की सब्जी, आम रस और पूड़ी। ग्लास को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल दूध की मलाई, डाल देंगे हम नारियल का बूरा। और इसी के ऊपर हम ये थोड़ा थोड़ा सा और रुआबजा से गार्निश कर देंगे। ये हमने सीजनल आम रस बना के तैयार कर दिया। बहुत इजी था बनाना, आप इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।